Good morning, children. Today, I am going to teach you a new chapter, and that is Microsoft Word. So, why we are using Microsoft Word? As we know, for typing a text, for making letters, we are using Notepad applications, right? But in Notepad, there is a limited feature. So, maximum features humko use karne, so we must use Microsoft Word application. For that, we have to first open our Word application program. So, how to open Microsoft Word? For that, we have to click on first Start button. Then, it is a part of Microsoft Office. So, first of all, we have to Microsoft Office pe click karna hai. Afterwards, application Microsoft Word that we have to select. So Microsoft window will open. Okay. Abhi, how to make a new document? जैसे आप जानते हो कि जब भी हम कोई भी application open करते हो, हमको by default new window ही open होती है और वहां पे नाम होता है document one. अगर now अगर पेंट होता है तो क्या होता है, अनटाइटल्ड होता है, राइट? सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ है. अभी देखो, मुझे फाइल, न्यू फाइल बनानी है, तो फाइल में जाके न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट. सो लाइक दिस यू कैन ओपन इट. जैसे ही मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन थी और मैंने दूसरी फाइल ओपन की है, न्यू किया है, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट टू. ओके और आगे क्या था, डॉक्यूमेंट वन. अगर आपसे कोई पूछे कि जब भी आप फाइल नेम बनाते हो, सेव नहीं करते, तब तक फाइल नेम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट वन. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. ओके, सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, what I want to explain, first of all, whenever you open a Microsoft Word, here topmost bar is called title bar and the bottommost bar is called task bar. And top right corner control buttons are there. Here it is close button, here restore down. Why it is called restore down? Because sometime it is working like a minimize option. And sometime it is working like a maximize open. Now it is already, screen is maximized. That's why it is like this. So icon will be changed. You have to notice. Here, look, I will minimize this. I will close. So two document window is there. Right? So jaise hi main usko open karungi, abhi ye restore ho gaya hai. Now, look, ye uska icon change ho gaya hai. ठीक है, तो अभी ये मैक्सिमाइज का रोल है उसका, अभी इसका क्या है, रिस्टोर का रोल है. समझ आया उस आपको? सो इट इज कॉल्ड रिस्टोर बटन. ओके, एंड अभी मैं क्लिक करूंगी तो ये मैक्सिमाइज. ओके, नाउ ये जो आपको माइनस जैसा लिखा, दैट इज मिनिमाइज, यू शुड रिमेम्बर. ओके, नाउ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम आ जाते हैं. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तीन हो रहे हैं, मैं यहाँ पे से पहले निकाल दी, क्योंकि समवन हैव प्लेस ओवर हियर, विल रिमूव. ओके, ये क्विक एक्सेस टूल, ये टूल बार पे ये जो आपको एरो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार. मीन्स क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या है, कि वॉट एवर द कमांड यू वॉन्ट टू यूज फ्रीक्वेंटली, यू कैन कीप दोज कमांड्स ओवर हियर. ओके, इट इज कस्टमाइज, वी कैन कस्टमाइज इट. यहाँ पे अभी तीन है, इट मीन्स वॉट, यहाँ पे तीन सिलेक्टेड होंगे. देखो, सेव पे क्लिक है, अंडू पे है, रीड, एंड दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, कि यहाँ से आप कर सकते हो. डायरेक्टली मैंने मेल पे क्लिक किया, तो इतने आइकन्स यहाँ पे आ गए, तो डायरेक्टली आई कैन यूज दैट कमांड फ्रॉम हियर. सो आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर एल्स, कि कोई मुझे ग्रुप टैब सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा. मीन्स समटाइम हम कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते, अकॉर्डिंग टू दैट द कमांड्स इज आल्सो डिफरेंट. सो समटाइम मैं जैसे नेट के लिए कुछ काम कर रही हूँ, तो आई फाउंड ऑफ यूजिंग
email or link. So I can, those commands I can keep over here. So I don't want to go anywhere else. Directly I can click on title bar and I can do my work quickly. समझ आ रहा है आपको? अभी मान लो यहाँ पे कोई कमांड है वो आपको चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है अवेलेबल, ठीक है? ये तो मैंने, चलो न्यू है, ईमेल है, वो यहाँ से सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे ये बॉर्डर मुझे बार बार करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लेस करो कर्सर को, फिर राइट क्लिक करो। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जस्ट क्या कर देना है, एड टू क्विक एक्सेस टूल बार, इट विल बी अवेलेबल ओवर हियर। देखो होम टैब पे जो भी चीज है वो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ये कब यूज होता है, जैसे इंसर्ट में कुछ है, पेज लेआउट में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मार्जिन मुझे बार बार करने पड़े, मुझे ये चाहिए बार बार, तो मैं वो यहाँ पे कीप कर सकती हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, हियर टैब इज देयर, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड ऑल। नाउ ये टैब्स है और ये है ग्रुप्स। अभी ये जो पूरा टैब एंड ग्रुप्स है ये डिफरेंट डिफरेंट, देखो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, पर यहाँ पे आपको देखो एरो जैसा दिख रहा है, इट मीन्स और यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी, तो वहां पे आपको मोर ऑप्शंस मिलते हैं लाइक दिस। नाउ इन फॉन्ट ग्रुप, व्हेनेवर आई क्लिक ऑन फॉन्ट ग्रुप, दिस विंडो विल ओपन, सो आई कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर टू, ओके। नाउ पैराग्राफ ग्रुप इज देयर, तो हियर ऑल्सो मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ये जो मोस्ट एक्सेसिबल कमांड्स है वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इफ यू वांट टू मोर, तो वी हैव टू क्लिक ऑन, देखो ये एरो दिख रहा है, तो आपको ये विंडो मिलेगी, यहाँ से आपको मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर नेक्स्ट, अभी ये जो आपको पूरी दिख रही है दैट इज ऑल कॉल्ड रिबन। वी शुड नो कि इसको क्या बोलते हैं कि रिबन। रिबन पे क्या होते हैं, अलग अलग कमांड्स के ग्रुप, ओके। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, दैट इज ऑन अवेलेबल ऑन रिबन। नाउ विंडो पे आते हैं वर्किंग एरिया, ये हमारा जो पूरा है दैट इज कॉल्ड वर्किंग एरिया। आई विल टाइप समथिंग, ओके। पहले तो हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं, गुड मॉर्निंग। सो ये जो हमारा है व्हाइट आपको जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड वॉकी एरिया। एंड नाउ टाइटल बार हो गया, ये सब चीज हो गया, वर्किंग एरिया आ गया। अभी आपको यहाँ पे रूलर दिख रही है, देखो लेफ्ट साइड पे एक रूलर है और यहाँ पे भी है, ऊपर टू रूलर्स आर अवेलेबल, उसको हम ऑन ऑफ कैसे करें। नाउ लुक, व्यू में जाना है, देखो रूलर टिक्ड है, मीन्स वो अवेलेबल होनी चाहिए, अगर उसको मैं अनटिक कर देती हूँ, अनमार्क कर देती हूँ तो वो चली जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अभी नेक्स्ट हम उसको रखते हैं, अभी वी कैन कीप, ओके। नाउ होम टैब पे जाएंगे, नाउ उसके नीचे आ जाओ वर्किंग एरिया के नीचे, देखो पेज वन ऑफ वन, वर्ड्स टू ऑफ टू, और यहाँ पे कुछ आइकन्स है और यहाँ पे 100%। अभी देखो ये वर्किंग एरिया के नीचे जो ये दिख रहा है दैट इज स्टेटस बार, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस क्या है, कि हम फर्स्ट पेज पे हैं और हमने वहां पे कितने वर्ड्स लिखे हैं, टू। अभी जैसे ही यहाँ पे मैं पहले तो ये लिखूंगी, ये है पेज वन, ठीक है, एंटर एंटर, हम दूसरे पेज पे जाते हैं, पेज टू। नाउ वी हैव टू पेजेस, अगेन आई विल टाइप पेज थ्री, ओके। सो आई हैव मेड थ्री पेजेस। अभी देखो जैसे ही थ्री पेजेस में मैंने कुछ लिखा और थ्री पेजेस बने मेरे, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया। मीन्स जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में एडिशन कुछ भी लिखते जाओगे यहाँ पे स्टेटस चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे देखो वर्ड भी कितने हो गए, एट, बिकॉज आई हैव रिटन एट वर्ड्स। क्लियर? अभी राइट साइड पे आ जाते, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हो गई, ओके। नाउ बॉटम राइट कॉर्नर, यहाँ पे कुछ व्यूज दिख रहे हैं, मीन्स ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वर्ड वो अभी कौन से लेआउट में है, प्रिंट लेआउट में। दूसरा एक है फुल स्क्रीन, मीन्स आपको कुछ भी बार्स वगैरह नहीं चाहिए, टैब्स नहीं चाहिए, ग्रुप्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वर्किंग एरिया ही दिखना चाहिए, तो आपको ये
सिलेक्ट करना है और उसको क्लोज करने के लिए क्लोज, ओके सो उसको फुल स्क्रीन बोलते हैं, ओके ये आपको नो नीड नाउ, लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द थ्री व्यूज. नाउ यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है और अब यहाँ पे एक बार दिख रही है, जूम बार बोलते हैं उसको, माइनस और प्लस मीन्स जूम आउट एंड जूम इन. बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा चाहिए तो, लेकिन आपको 100% में ही काम करना है. बट लेकिन आप कभी चाहो कि आपने जैसे 3 पेज बनाए हैं, आपको एक साथ देखना है आफ्टर टाइपिंग या ड्यूरिंग टाइपिंग, तो आप यहाँ पे ऐसे करके भी काम कर सकते हो. क्लियर? सो नाउ वांट टू कंटिन्यू विथ 100%. नाउ जैसे मैंने आपको न्यू तो सिखा ही दिया है, नाउ अभी जो भी फाइल में मैं हूँ मुझे न्यू फाइल चाहिए. जैसे बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वन डॉक्यूमेंट ओपन ही होता है, बट स्टिल यू वांट टू ओपन अ न्यू मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल एंड देन न्यू. इन 2007 ऑफिस बटन वॉज देयर, हियर इन 2010 थर्ड वर्जन फाइल टाइप इज देयर. ओके तो यू शुड नो व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 10. नाउ यहाँ पे जैसे ही न्यू करोगे आपको ये अगेन विंडो मिलेगी, ब्लैंक वन को सिलेक्ट करो, देखो न्यू आ गया, यहाँ पे आया है डॉक्यूमेंट 3. ठीक है, नाउ अगेन मैं ओपन करूंगी न्यू, ब्लैंक आ गया डॉक्यूमेंट 4. सो मैंने तीन, देखो अभी मुझे कैसे जाने, मैंने बार बार बना तो ली फाइल, हाउ कुड आई नो. अभी देखो टास्क बार पे आ जाओ, टास्क बार पे मैंने जैसे ही वर्ड पे प्लेस किया ये तीन विंडो मेरी ओपन. सो टास्क बार पे क्या अवेलेबल होता है, स्टार्ट बटन एंड वॉट एवर द एप्लीकेशन इज ओपन राइट नाउ इट विल बी शोन ओवर हियर बिकॉज इट इज मिनिमाइज. ये देखो ये भी मिनिमाइज है, ये जूम भी मिनिमाइज है, ये भी मिनिमाइज है, सिर्फ एक ओपन है, बाकी की वो मिनिमाइज है बिकॉज आई हैव मेड 3 फाइल्स. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? सो मान लो कि इसमें से किसी का मुझे काम नहीं है, जैसे मुझे 3 डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना, क्लोज से 2 हो गई, अभी कितनी है 2. अभी मुझे 4th one भी नहीं चाहिए. अभी देखो मैंने यहाँ से डायरेक्टली तो क्लोज कर ली बिकॉज फ्रॉम द मेनू फ्रॉम द टैब हाउ आई विल क्लोज द फाइल, तो फाइल में जाना है क्लोज. अभी देखो यहाँ पे क्लोज भी है और एग्जिट भी है, सो इन बोथ ऑप्शन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. फ्रॉम द क्लोज ऑप्शन वी कैन क्लोज डॉक्यूमेंट ओनली, जैसे अभी डॉक्यूमेंट 4 है वो ही मैं क्लोज करूंगी. इफ आई क्लिक ऑन एग्जिट तो मैं वर्ड एप्लीकेशन में से एग्जिट हो जाऊंगी. लेट मी सी हाउ, नाउ मैं क्लोज करती हूँ तो डॉक्यूमेंट 4 में से चली जाऊंगी. अभी देखो वर्ड में मेरी कितनी फाइल्स हैं, ओनली 1 डॉक्यूमेंट 2. अभी मान लो मैंने ये सेव नहीं किया, हाउ टू सेव अ फाइल, तो क्लिक ऑन सेव बटन, आई हैव सिलेक्टेड माय नेम एंड यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे आपकी क्लास है क्लास 3 और PR प्रैक्टिकल 1. सो आई सेव्ड इट. अभी मैं कर देती हूँ क्लोज आई आउट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. अभी मैं कहाँ पे, वर्ड इज स्टिल ओपन बट द डॉक्यूमेंट 4 इज क्लोज नाउ. नाउ हाउ कैन आई ओपन दैट फाइल अगेन, मैं उसको भी मिनिमाइज रखूंगी क्योंकि मुझे और भी एक चीज आपको सिखानी है. 2 तरीके से फाइल ओपन करना सीखाना. अभी मुझे कुछ भी नहीं याद है कि मैंने फाइल कहाँ पे सेव की थी, क्या किया था, नथिंग. तो मुझे याद रखना पड़ेगा, ये माय कंप्यूटर है. तो क्लिक ऑन दैट वन. अभी मुझे तो याद ही नहीं है कि फाइल कहाँ पे सेव की है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैंने अल्पा नाम तो सिलेक्ट किया था बट बाकी का कुछ नहीं याद है. तो व्हाट आई विल डू, अभी मैं उसको क्लोज कर देती हूँ. जनरली हमको कैसे ओपन करनी होती है फाइल, नो और डोंट नो. देखो यहाँ पे मुझे याद है कि मेरा ई ड्राइव में अल्पा में मैंने क्या PR1 ऐसे कुछ दिया था क्लास 3 मिली, नो बिकॉज आई फॉरगॉट वेयर आई सेव्ड. नाउ आई गॉट, देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अल्पा है, उसके अंदर है, हमको मिलेगी क्लास 3 कहीं पे लिखा मिल रहा है, ये रहा दे. सो लाइक दिस आई कैन ओपन अगेन, आई क्लोज दिस फाइल. यहां से मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी मिनिमाइज है, मैं यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ. समझ आ रहा है? नाउ हाउ टू ओपन, फाइल में क्लिक करो,
और यहाँ पे देखो रिसेंट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये 2007 में, यहाँ पे नहीं होता है, होता है लेकिन अलग जगह पे है। यहाँ पे रिसेंट देखो, यहाँ पे रिसेंट जितने भी, जैसे मैंने कल काम किया हो या परसों काम किया हो, जितनी लास्ट 8 to 10 फाइल्स यहाँ पे होती है, सो लाइक दिस ऑल्सो आई कैन ओपन माई फाइल। नाउ एज आई टोल्ड यू कि क्लोज एंड एग्जिट बिटवीन देम इट इज अ डिफरेंस, किसी को ये नहीं समझना है क्लोज एंड एग्जिट इज सेम। क्लोज थ्रू क्लोज वी कैन क्लोज अवर डॉक्यूमेंट ओनली, एंड फ्रॉम एग्जिट वी कैन क्लोज अवर वर्ड एप्लीकेशन। सो आई विल क्लिक इट आउट ऑफ द वर्ड एप्लीकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, दैट इज अ प्रिंट। सो अगेन आई विल ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके, एंड द सेम फाइल आई वॉन्ट टू प्रिंट आउट, सो अगेन आई हैव टू ओपन दैट सेम फाइल। हाउ टू ओपन, लुक फ्रॉम द रिसेंट ऑप्शन आई कैन फाइंड माई फाइल, क्लियर। अदरवाइज कहाँ पे क्लिक करना है, ओपन। ओपन में हमको याद रखना है कि मैंने कहाँ पे से, अगर मैं सी डी ई ड्राइव में ढूंढूंगी नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर में फाइल रखी थी। देखो मीन्स कितने तरीके से मैंने आपको 3 तरीके से फाइल ओपन करना सिखाया आज। तो यू शुड रिमेम्बर हाउ टू ओपन अ फाइल, देर आर 3 वेज टू ओपन अ फाइल, और भी है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट सिखाऊंगी। ओके, नाउ हाउ टू टेक प्रिंट आउट। सो फॉर दैट क्लिक ऑन फाइल, आफ्टरवर्ड्स क्लिक ऑन प्रिंट। तो हियर सम ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। लास्ट में आपको ये प्रिंट पे क्लिक करना है, जब यहाँ पे आप सब कुछ सिलेक्ट कर दो, तब यहाँ पे आपको एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए वो आपको रखना है। नाउ प्रिंट ऑल पेजेस, व्हाट एवर पेज आई वॉन्ट टू प्रिंट, देन यहाँ पे ऑल करना है आपको। नाउ प्रिंट वन साइडेड या फिर मैन्युअली, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रिंटर होगा उस पर डिपेंड होगा। यहाँ पे मैन्युअली ही आप कर सकते हो अगर आपको दोनों साइड से प्रिंट लेनी हो तो। नाउ आपको ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पोर्ट्रेट मीन्स सीधा, लैंडस्केप मीन्स वो ऐसे हो जाएगा, ओके, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली। नाउ लेट आपके पास जो पेज है वो साइज क्या है, साइज विल बी ऑलवेज A4। अगर आपके पेज की साइज इसमें से कोई डिफरेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइज भी लिखी हुई है। अगर आपका पेज 8.5 by 14 है तो दैट इज अ लीगल पेज, तो अगर आप वो पेज भी डाल के प्रिंट करा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्शन देना पड़ेगा तो ही मार्जिन ठीक से आएगा। ओके, नाउ मैं यहाँ पे A4 का भी कस्टम मार्जिन, ऑलवेज यू शुड यूज नैरो मार्जिन। हाँ, अगर बहुत कम लिखा है और आपको नहीं जरूरत है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में ज्यादा जगह हो ना हो, देन यू कैन यूज अ नॉर्मल। बट इफ यू आर टाइपिंग कुछ ज्यादा किया हो, जैसे डॉक्यूमेंट है, बुक है, पेजेस है, पेपर्स है, ऐसा कुछ है, तो यू कैन यूज नैरो। आई तो ऑलवेज यूज थ्रू नैरो मार्जिन, आई हैव यूज दिस दिस ओनली। अभी एक पेज पे आपको कितनी चाहिए, कि एक पेज पे आपको कितने पेजेस की प्रिंट चाहिए, तो यू कैन सिलेक्ट हियर। नाउ मैं वन पेज वन सेट ही डालूंगी, ओके, एंड क्लिक ऑन प्रिंट। सो दिस ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। आई ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन ऑनलाइन क्लासेस टू। सो आई होप कि विथ दिस वीडियो, अगर आपका कुछ मिस हुआ हो तो मे बी इट इज क्लियर आउट नाउ। सो टिल देन नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बाद इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आएगी। ओके, सो टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ।